आप इस वक्त इंस्पेक्टर वीर बहादुर सिंह, शायद आप इस थाने के इंचार्ज हैं? जी हाँ सर, रात को कुछ ज्यादा बैठिए ना। नहीं नहीं, बाहर 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 खुले में चल के बैठते हैं। आप आइए 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 खुले में। ये कौन है? वो दुखिया है बेचारी, रात को पुलिस स्टेशन में सहारा ढूंढने आई थी। ऐसी कोई खास बात नहीं है, इसका आदमी आएगा ले जाएगा। आप आइए आइए, ले आइए इसे। सर छोड़िए ना, ये तो इन छोटे लोगों का रोज रोज का नाटक है। आप ये सर, अरे चल रही चल, एसपी साहिबा तुझसे मिलना चाहती हैं, आई है ना शहर से। अगर उसके सामने तूने अपनी जबान खोली ना तो काट के रख दूंगा। चल आजा, चल चल उठ जा, आजा 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 आजा। इसे क्या हुआ? इसका नाम मनिया, इसका स्टेटमेंट लिया है। इंस्पेक्टर सर, तुम बाहर जाओ। जी इधर आओ। अब रोना बंद करो, पानी पियोगे? क्या हुआ सर? अरे तू जा अपना काम करो, यहां से जा, जा यहां से। लो पियो, पी लो। चलो पियो। अब मुझे ठीक से बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? Oh, my God.
देखिए मालिक, सब काम पर लगा हुआ है। ए, फटाफट हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। बहुत हो गया मालिक। हमारा कहने का मतलब है कि गर्मी बहुत बढ़ गया है, धूप भी बहुत तेज है। चले मालिक, चले। ए, सब ठीक से काम करना, समझा? साली ऐसे देख रही है कि खा जाएगी। बड़ी जच रही है। कुछ कहे बाबू? हम बस्ती की ओर जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे? नहीं बाबू, हम चले जाएंगे। अरे देखो देखो, मेरा डार्लिंग आ गया। अरे हाय हाय हाय, करा जाऊ, चाल तो देखो। आजा रे आजा रे आजा रे, झिझक बिन झिझक बिन। डू नॉट हेजिटेट। गाले मोहे ऐसे सारा माओ नहीं। होली है, होली है, प्रतिया बिताओ कैसे आज मैं तेरे बिन। यो यो, आए हाय हाय, होली है। घागरा के घेरा मोरा, अरे छुबो नहीं राजा। खुल जाए कहीं ना ये राज। एवरीबॉडी नोज। आग के महीना और होली के रतिया। होली के रतिया। अरे जरे जियारा, जरे जियारा हो री जैसे आज। चाल देख के रूप देख के जियारा काहे जलाए। जियारा काहे के जरावे, बीच समंदर गोता मारो पियसिया ले ओ बुझाए। अरे हट, बिना चोली के जो बनवा कैसे संभले। बिना चोली के जो बनवा कैसे संभले। जोगीरा सारा रा 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 रा। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। Thank you.
गुजरो जो भी देखे हो जाए घायल। Exactly, बिल्कुल करेक्ट। हतर ब्यूटी पे ईमानवा क्यों ना मचले, हतर ब्यूटी पे ईमानवा क्यों ना मचले, तोर फिर पे मनवा क्यों ना मचले, तोर फिर पे मनवा क्यों ना मचले, तोर फिर पे मनवा क्यों ना मचले, मचले 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 जगीरा सारा या कैसे कुसे जिया ना ही माने रे दहिया भी सेक दे तू आज। दुबे जी। जी छोटे सरकार, हमको मनिया चाहिए चाहिए। समझ गए छोटे सरकार, बिल्कुल समझ गए। दुबे जी। जी छोटे सरकार, हमको मनिया चाहिए चाहिए। बिल्कुल सरकार, चाहिए ही चाहिए। नहीं गलत, गलत हुआ, अब मेरी बारी है। ए मनिया, ए सुनना, अरे सुन तो। छोड़ो। चल बदमाश हट, चल। कोई लाजवाब। अरे लाजवाब का बात छोड़, चल बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे, चल चल चल। अरे सुन री। क्या हुआ? हम दूर शहर जा रहे हैं। हाँ। का है? अरे का है मतलब, कॉन्ट्रैक्टर बाबू भेज रहे हैं, जरूर कोनो काम होगा तब हम भी चलेंगे। अरे एकदम निरी बुद्धू है तू। अरे कुली बेगारी का काम है, तू करेगी? हे मनिया, हे हम तो कहते हैं तू यहाँ का भी काम मत कर। सरवा गई। अच्छा सुन, हम यहाँ नहीं रहेंगे ना, तो छुटकी को संगे रखना तू। हे पगली, उदास काहे हो रही? हाँ जल्दी काम निपटाए के आ जाएंगे, हम भी तुम्हारे बिना ज्यादा दिन दूर थोड़ी रह सकते हैं। दरवाजा खोल। कौन है? हम हैं दुबे। हरिया घर पे नहीं है? अरे हरिया का ही खबर लाए हैं, जल्दी दरवाजा खोल। क्या हुआ हरिया को? प्यार से रे, प्यार से। वही ढेला पत्थर नहीं है, फूल कुमारी है, फूल कुमारी, फूल कुमारी। हमको छोड़ दो बाबू, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे पैर। अरे अरे तुम्हारी जगह हमारे चरणों में नहीं,
हमारे दिल में है। अरे तुम चली जाओगी तो हमारे बबलू भैया का क्या होगा? रात को इतना ना शर्माओ। अरे बबलू भैया के पास जा। अरे बबलू भैया जरा आराम से। अरे भाई पहली रात है। चुप हो जा, चुपचाप यहाँ पड़ी रहे, नहीं तो बस्ती में बदनाम हो जाएगी। बड़ी तुम्हें है, बहुत दिनों से तुम्हारी ये खूबसूरती देख देख के बदन में आग लगी थी। बढ़िया डाले जरा प्यार से आग बुझा दे। सचुरे को प्यार कर दो बेटा। मर्द ने पीता है या ससुरी सास ननद ने मारा है? साला रोज रोज का ही धंधा है। जाओ। दरोगा बाबू, दरोगा बाबू। क्या वारी? अरे तू बोलती क्यों नहीं है कुछ? क्या हुआ? बंद करे रोना धोना और सीधे सीधे बोल, हुआ क्या है? हमारी इज्जत। इज्जत? क्या हुआ तेरी इज्जत को? अब किसको पेचे में डालने चली आई है? कहीं है तूने धंधा तो नहीं बना लिया है? नहीं नहीं बाबू, हमेशा में सौरत नहीं है, हमारे यहाँ की ब्याह था है। हमारा मरा ध्यान नहीं है इसीलिए। इसीलिए इसीलिए तुझे दूसरे मरद की जरूरत पड़ गई? नहीं नहीं मालिक, हम ऐसी औरत नहीं है। हमारा विश्वास कीजिए। तो कैसी औरत है तू? जरा हम भी तो देखें। डर मत, आजा, चल 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 चल, तेरा स्टेटमेंट लेते हैं। आजा, सुनिए सुनिए साहब, जाने दीजिए, बेचारी गरीब दुखिया लगती है, छोड़ दीजिए। आजो। चुप साला, अपने सीनियर के काम में दखल देने का अंजाम जानता है तू? दो मिनट में सस्पेंड कर दूंगा तुझे। आउट। यस सर। को बुलवा दीजिए। इंस्पेक्टर वीर बहादुर सिंह। हाँ
तो यह है तुम्हारी ड्यूटी, जनता की सुरक्षा, जनता के विश्वास के नाम पर ये बिल्ले लगाए फिरते हो। एक असहाय औरत की बेचारगी और लाचारी का फायदा उठाते तुम्हें शर्म नहीं आई? साइंडस, हैंड ओवर योर चार्ज और तुम्हारी गन कोर्ट में जमा करो। यू आर सस्पेंडेड। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। तुम्हें न्याय मैं दिलवाऊंगी, ये मेरा वादा है। हमरे मर्द को बुलवा दो साहब। हाँ, बुलवा देंगे। हवलदार, FIR तैयार करो। ए भैया, क्या हुआ? कोई अफसर अफसर आया का? हाँ भाई, कोई रेप वेप का केस है। बलात्कार? अरे भाई, लगता है SP साहिबा को सूंग लग गई। कौन कौन, औरत कौन है? अरे है कोई मजदूरनी, भागमनी। कौन, मनिया? हाँ हाँ, वही मनिया। अरे भैया, पैसा तो लेते जाओ। बाद में, बाद में। अरे भैया, इसे क्या हुआ? अरे ये तो ततैये की तरह भाग गया। अरे भैया, पैसे छोड़ो, सुबह सुबह बहुत बढ़िया खबर सुनाया, कुछ दिन और भी भीड़ रहेगी थाने में। हाँ भाई, तुम्हारा धंधा भी खूब चल पड़ेगा। रिपोर्टर आएंगे, तमाशा देखने वालों की भीड़ लगी रहेगी, खूब चाय बिस्कुट की बिक्री होगी। संभल के बोलो, सुनने में आया है कि जगताप के बेटे का काम है। तब तो कुछ नहीं होने वाला, कायदा कानून तो हम गरीबों के लिए है भाई। इन्हें सब गुनाह माफ है, चारे जाओ, थूके जाओ, थू। गुड मॉर्निंग सर। SP कल्पना वर्मा, आपने वीर बहादुर को सस्पेंड किया है? यस सर। क्या प्रूफ है आपके पास? कोई चश्मदीद गवाह? लेकिन सर, ये केस एकदम साफ है, और चश्मदीद गवाह नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि हादसा हुआ ही नहीं। डोंट बी नाइस सर। इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की अथॉरिटी मेरी है। बिना क्राइम को प्रूव किए एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन कैसे ले सकती हैं आप? सर, मेरा विश्वास कीजिए, अ हीनियस क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय इंस्पेक्टर वीर बहादुर सिंह एंड अ प्राइमा फेसी केस डज एग्जिस्ट। उसको जो सजा मिली है बिल्कुल जायज है, उस पर तो विल प्रूव हिम गिल्टी फर्स्ट, देन वी विल पनिश हिम। तुम्हें सजा मिलेगी। चलो मनिया। मनिया काकी। अनाथ का कोई नहीं, उजड़ गई बेचारी। हटो, अरे यहाँ भीड़ क्या लगा रखे हो? चलो चलो, निकलो यहाँ से। अरे जाओ भाई, जाओ, हटो यहाँ से, हटो। अरे तमाशा नहीं लगाए, चलो। मालिक, 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 क्या हुआ? माफी मालिक। ऐसे भवंडर की तरह काहे दौड़े आ रहे? बात ही गजब हो गया मालिक। बच्चा है, गलती हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया मालिक।
पहेलियां मत बजाओ, बोलो क्या हुआ है। बबलू जी। क्या हुआ बबलू को? ओ मैं नहीं कह रहा हूँ मालिक, रामदीन कह रहा था, बात थाने तक पहुँच गई है। अरे जल्दी बता बात क्या है। मालिक इसमें बबलू बाबू का कोई दोष नहीं है, वो औरत ही ऐसी है। यार दोस्त बबलू बाबू को शराब पिलाई दिए और शराब पी के बबलू बाबू से इतनी बड़ी गलती हो गई। मालिक बबलू बबलू इधर आओ। बाबूजी राम खोर गधे नालायक, अरे तुम्हारे जैसी औलाद की तो दाद देनी चाहिए। अरे ऐसी मुरखता कर ही दिए थे तो ससरी का मुंह काहे नहीं बंद कर दिए हमेशा के लिए। हाँ अगर ससरी का मुंह बंद कर देते हमेशा के लिए तो ये सब फसाद नहीं ना खड़ा होता। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्सा में क्यों हैं? क्या बात है बेटा? जाइए जाइए अंदर जाइए, मर्दों का बात में जिरह करने का जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऑफिसर, इनिशियल चेकअप के अनुसार इट्स अ क्लियर केस ऑफ रेप। तो इसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए मुझे अभी कुछ जांचें और करनी हैं। वैसे कल सुबह तक डेफिनेटली आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। डोंट वरी, इट्स माय जॉब टू। आई होप शी इज सेफ। एब्सोल्युटली सेफ। थैंक यू। ओके। मनिया डरो मत, हम तुम्हें कल ले जाएंगे। हमरे मर्द को, तुम्हारे मर्द को भी जल्दी बुला लेंगे। इंस्पेक्टर साहब हम कुछ नहीं जानते, चाहे जितना पैसा बहाना पड़े चाहे जो भी करना पड़े, ये केस खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये केस अब हमारे हाथ में नहीं रहा है ना, उस साली एसपी के हाथ में चला गया। अरे केस एसपी के हाथ में चला गया तो क्या होगा, उसके ऊपर भी कोई होता है कि नहीं? अरे होता है ना डीआईजी, आप तो जानते हैं ना। हाँ मालूम है हमको, तो उस सतरे को जाके पकड़ो, ऐसे मौकों के लिए तो खिला पिला रहे हैं उसको। और कह दो उसको कि हमारे बेटे का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, अगर कुछ हुआ तो खार कर तुम। हाँ राज। चांद, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि शाम को प्लीज जल्दी आ जाना घर। हाँ राज, आई कांट प्रॉमिस। नो नो डोंट से दैट, ओके? देखो मैं तुम्हारे घर पे इंतजार करूंगा, तुम प्लीज जल्दी आ जाना। ओके बाय। वाह वकील साहब, आपके तो क्या कहने, वकील और पुलिस की क्या जोड़ी है। क्या करे शर्मा जी, बचपन का साथ है, बचपन का साथ। भाई मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि एक मजदूरनी जात की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो थाने पहुंच गई। अबे नाम मत ले थाने का, और वो हरामखोर इंस्पेक्टर कहता है कि केस थाने के बाहर चला गया है। पर बबलू, जगताप चाचा है ना, फिकर क्या करते हो? और जगताप चाचा तो जज और गवाह दोनों को घर ले सकते हैं। चुप, तुम लोग हमको नसीहत देना बंद करोगे? साली एसपी की औकात ही क्या है, देख लूंगा उसे भी। नाउ नो व्हाई यू सो वरिड, कल्पना ये केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं मैं लड़ूंगा।
मनिया को पब्लिक की पूरी सहानुभूति दिलवाऊंगा। तुम इस केस की फिक्र करना छोड़ दो। थैंक यू राज, इट बी अ ब्लेसिंग फॉर पुअर मनिया। हर केस इज रियली वेरी पथेटिक। लुकिंग एट हर इनोसेंस, यू विल जस्ट नेवर इमेजिन व्हाट ऑल शी हैज बीन थ्रू। डोंट वरी, जीत हमारी ही होगी। कल्पना, तुम सोच भी नहीं सकती ये केस मेरे करियर के लिए कितना अहम है। मैं एक रेप केस लड़ूंगा और वो भी एक गरीब मजदूरनी के शोषण और बलात्कार का। सोचो कितनी माइलेज मिलेगी, फ्री पब्लिसिटी, प्रेस, मीडिया। वाओ, देखना मेरे करियर को कितना बूस्ट मिलेगा। यस, दिस इज द काइंड ऑफ केस आई ऑलवेज वांटेड। कल्पना, मैं मनिया को इंसाफ दिलवाऊंगा, बस तुम मुझे उसकी मेडिकल रिपोर्ट लाके दे दो। वो मैं खुद जाके ले आऊंगी और मनिया को भी साथ लेती आऊंगी। जब तक उसका पति हरिया नहीं आ जाता, उसको मैं अपने पास ही रखूंगी। रुक रही मनिया, देख ले, तुम तो से पूरे दिन बात नहीं करेंगे। हाँ, लग गई ना, कल ही शादी की और आज ही भागे जा रही है। अमरी भाग मनी। अरे पहले रिझाए मोहे, फिर तू सताए मोहे, घुंघटा तो खोलो हुजूर धीरे धीरे। पहले रिझाए मोहे, फिर तू सताए मोहे, घुंघटा तो खोलो हुजूर धीरे धीरे। ओ घुंघटा तो खोलो हुजूर धीरे धीरे। कैसी मैं समझाऊं लाज से बड़े जाऊं, सैया कलैया मरोड़ धीरे धीरे, सैया कलैया मरोड़ धीरे धीरे। ओ धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे। तुम्हारे कारे कारे नैनो की कटारी से, बिंद दिया मन को मोरे बड़ी होशियारी से। सैया अनाड़े मोरा बने है खिलाड़ी, बड़ा समझे न बात कोई कहो जो इशारे से। रोके से रुके नहीं, थामे से थमे नहीं, जीरा में उठे हिलोर धीरे धीरे। थोड़ा सा धीर धर भरो, लाज के बंधन की खुले डोर धीरे धीरे, लाज के बंधन की खुले डोर धीरे 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 धीरे, हो धीरे धीरे, हाँ धीरे 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 धीरे। अरे अब एक बात समझ में नहीं आता है। का? ये कि तू इतना सोचता क्या रहता है? अब का बताऊं रामू, घर परिवार का बहुत याद आ रहा है। ए यारो, ऑफिसर,
Here is the report. Thank you. With your permission, can I take Manya with me now? Oh yes, why not? Chalo. साहिब, हरिया आ गया क्या? आ जाएगा, तुम्हारा हरिया भी जल्दी मिल जाएगा, तब तक तुम मेरे पास रहोगी, ठीक है? चलो। अरे बबलू बेटा, यहाँ गोदाम में कहाँ बैठे हो? चल जाए यहाँ से। बबलू बेटा, बेटा जो कुछ सुनने में आया है क्या वो सच है? एक बार सच बता दे बेटा, मैं मान जाऊंगी। तू मेरा बेटा है, तू ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। एक बार अपनी माँ को सच बता दे बेटा, मैं दुनिया से लड़ लूंगी। माँ, तुम क्यों परेशान होती हो? बाबूजी ने कहा ना वो सब संभाल लेंगे, और लोगों का क्या है वो तो बोलते ही रहेंगे। अपने बाबूजी की बोली मत बोल बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और जो कुछ सुनने में आया है वैसा हुआ होगा तो बहुत बुरा हुआ है बेटा। ये कौन सा कॉन्फ्रेंस चल रहा है माँ बेटे में? जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या बबलू के बारे में जो कुछ सुना है वो सच है क्या? आपसे कितनी बार कहा है कि मर्दों की बात में दखल मत दीजिए, और जो बात आपको मालूम नहीं है उससे परेशान भी मत होइए। जाइए जाइए, सुनार को बुलवा के कुछ गहने वाने गड़वा लीजिए, अनारसी बनारसी साड़ी खरीद लीजिए, काहे फालतू का बात में माथा पच्ची कर रही है। और तुम ये सब क्या लेके बैठे हो, चलो हमारे साथ। जी बाबू जी। मेडिकल रिपोर्ट। नाउ दिस इज गुड एविडेंस। अब तुम देखो मैं मनिया को कैसे न्याय दिलवाता हूँ। हेलो सर। एसपी कल्पना, जिस केस के पीछे आप हाथ धोकर पड़ गई हैं, उसे छोड़ दें। सर, ये मैं आपकी सलाह समझूं या धमकी? व्हाटएवर सूट्स यू। वैसे एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले ही आप ये केस हार चुकी हैं। थैंक यू सर। कल्पना देखो, पेशेंट हेल्थी, एवरीथिंग नॉर्मल। झूठ, सरासर झूठ। अब पता चला बड़ी दूर तक पहुंचे इन लोगों की। कल इस डॉक्टर ने कहा इट्स अ क्लियर केस ऑफ रेप, और आज इतना बड़ा झूठ। पेशेंट हेल्थी, एवरीथिंग नॉर्मल। सिस्टम माय डियर सिस्टम, दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। जानती हूं राज, पर देखना मैं मनिया को इंसाफ दिला कर ही रहूंगी। मैं हारने वाली नहीं हूं। सरकारी रिपोर्ट खरीदा गया है तो क्या हुआ, शहर में और भी डॉक्टर हैं। जाओ, जाकर बबलू को लेकर आओ। जी सर, मगर वो भूलो मत कि तुम्हारा केस अभी भी पेंडिंग है। जाओ। यस सर। नमस्कार एसपी साहिबा।
अब हमें कहीं होती, हम को नहीं चले आए होते आपकी खातिरदारी में। आप कौन हैं? हम को नहीं जानती, हम जगताप हैं, यहाँ के खदान का मालिक, सबसे अमीर आदमी। आप ही ने इंस्पेक्टर को? अरे आओ बेटा, यही है हमारे सुपुत्र बबलू। आप पूछे जो भी पूछना है। आप बाहर जाइए। देखिए इंस्पेक्टर, इसे बाहर ले जाओ। देखिए आप बात को आउट। अरे छोड़। अरे आइए ना, आप क्या कर रहे हैं? अरे चलिए तो सही। छोड़। अरे आइए तो सही बाहर कम से कम। कुर्सी वापस रखो। मैंने कहा कुर्सी वापस रखो। तुम्हें यहां बैठने के लिए नहीं बुलाया गया है। जो भी तुमसे पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। देखिए चिंता की कोई बात ही नहीं है, अब काहे इतना परेशान हो रहे हैं? हम कह रहे हैं ना बबलू का बाल भी बाका नहीं होगा जी। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। ससुरी इतना गुस्सा दिला दी हमको कि जर्दा और घुटा गया। अरे क्या, अरे जा रहे चार पांच पान लेके आ, चल जल्दी जा। हट, हमारा बेटा अंदर है और हम यहाँ, पता नहीं क्या कर रही है उसके साथ। देखिए कहने को तो इंट्रोगेशन यानी पूछताछ चल रहा है, वैसे होना जाना कुछ नहीं है क्योंकि सारे सबूत हमारे हाथ में है और डॉक्टर साहब की रिपोर्ट भी हमारे हाथ में है। उस ससुरी एसपी साहिबा के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बाबूजी, ये बबलू भैया। चलो। अरे कहाँ ले जा रही हो मेरे बेटे को? पुलिस की कार्यवाही में दखल देने की कोशिश की तो तुम्हें भी अंदर डाल दूंगी। चलो गाड़ी में बिठाओ। बाबूजी, एसपी साहिबा किस सबूत के बूते पर गिरफ्तार किया है मेरे बेटे को? एसपी साहिबा, डॉक्टर की रिपोर्ट के बूते पर। अरे काहे का रिपोर्ट? चलो बाबूजी। इमरजेंसी ड्राइव करके आपसे यहाँ मिलने आए और आप बैठे बैठे हिलाते रहिएगा ये गिलास या कुछ कीजिएगा भी, ये भूलिए मत, ये बैठ के ये क्लब ये ऐशो आराम सब हमारी बदौलत है, हमारी बदौलत। इतने तैश में क्यों आ रहे हैं आप जनाब? बैठिए, फिक्र मत कीजिए। अरे फिक्र कैसे नहीं करें, हमारे लड़के को पकड़ के ले गई है एसपी ससुरी। आपके लड़के को ले गई है ना, तो क्या हुआ? कुछ सवाल जवाब करके छोड़ देगी, कुछ नहीं कर सकती है वो, उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन सर, प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट एसपी कल्पना के पास है। अच्छा, इसका भी तोड़ है मियां, इस बार तो आपका बेटा बच जाएगा। वैसे अपने बेटे से बोलिएगा कि अपनी जवानी को जरा काबू में रखे, वरना एक दिन जेल की हवा खानी पड़ेगी।
अरे तुम, कृष्णा कहाँ है? रसोई में। साहिब, हम घर जाना चाहते हैं। हरिया की बहुत फिक्र हो रही है। कहकर गया था कि जल्दी लौट आएगा, लेकिन लेकिन रो मत मनिया, हरिया जल्दी आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम देख रही हो ना, राज साहब तुम्हारा केस लड़ने के लिए, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। इसको आप बढ़िया से टाइप करवा दीजिएगा, कल तक कंप्लीट करवा देंगे। बिल्कुल पक्का, ठीक है, कल केस है। हाँ, तुम्हें सक्सेना साहब, ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आप जरा एक मिनट इधर आएंगे? हाँ एक सेकेंड। ठीक है, आप ये करिए। ओके। कहिए, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ, बोलिए। मैं थाना इंचार्ज तांतपुर। ओ आप, कहिए क्या बात है? दरअसल बात ये है, जो मजदूरनी का केस आपको सौंपा गया है, वो रेप केस। हाँ वही, उसी के बारे में आपसे बात करनी है। जी कहिए क्या बात है। जरा इत्मीनान से बैठ के आराम से बात करते हैं ना। चलिए ना मेरे साथ। गर्म सांसों में सुलगती चाहते कहती है आजा। हाँ नर्म होठों की गुलाबी हसरते कहती है आजा। जाने जा मदहोशियों में खो जा। हाँ गर्म सांसों में सुलगती चाहते कहती है आजा। नर्म होठों की गुलाबी हसरते कहती है आजा। जाने जा मदहोशियों खो जा। जाने जा मदहोशियों में खो जा। अच्छा तो क्या बोलते हैं वकील साहब, क्या आप न्याय को खरीदना चाहते हैं? अरे कौन सा जरा न्याय खरीद सकता है, खरीद बिक्री तो सिनेमा में होता है और हम कौन सिनेमा के कलाकार हैं। सीधी बात तो ये है कि आप मेरा पीठ खुजलाइए और हम आपका, बड़ा आनंद आएगा। अब जा ऐसी कशिश तू फिर कभी न पाएगा। भूल से एक भूल कर ले सो जन्म जी जाएगा। जिस्म की ये आग सारी क्या पता कल हो न हो। जिस्म की ये आग सारी क्या पता कल हो न हो। कसम साथी रात की ये निस्बतें कहती है आजा। कसम साथी रात की ये निस्बतें कहती है आजा। जाने जा मदहोशियों में खो जा। जाने जा
Yes! 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 राज जी, ये फूल किस खुशी में और ये किसकी नई गाड़ी उठा लाए आप? अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए। बिटिया, हम चाय का इंतजाम करते हैं। जी काका। हाँ, मैं कह रहा था अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए, तुम्हारी छुट्टी सेलिब्रेट करने के लिए। सिंपल, वेरी सिंपल। थैंक यू। वैसे बहुत सुंदर हैं। अरे कभी हमारी भी तारीफ कर लिया कीजिए। तारीफ के काबिल न होते तो यहाँ होते? ये नहीं पूछूंगी आज मैं इतना खुश क्यों नजर आ रहा हूँ। तुम तो हमेशा खुश रहते हो, वैसे बता ही दो। जाने मन, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? कोई लॉटरी लगी है क्या? पहले तुम यहाँ आके बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मनिया वाला केस है ना, उसे तुम देखो अब मैं हम दोनों के फायदे के लिए कैसा नया मोड़ देता हूँ। क्या बात है राज, आज अच्छे खासे मजाक के मूड में हो। जाने मन, मेरी बात मानो, मजदूरनी से नाता तोड़ो, माया से नाता। दूसरी नारी से अपनत्व का नाता है क्या? किसी को न्याय दिलाने के लिए किसी नाते की जरूरत होती है? मैं तुमसे पूछती हूँ राज, तुम किस तरह के न्याय के रखवाले बने फिरते हो? और रही बात केस के हार जीत की, मैं इस केस को जीत के दिखाऊंगी, समझे? Now just get out. ले जाओ अपने तोहफे को, वापस दे दो उन कमीनों को जिनकी दलाली तुम कर रहे हो। Go. एक बार फिर सोच लो, बाद में पछताना ना पड़े। मालिक काका, ये केस हारने के लिए तैयार रहना। ऐसा भी होगा ये कभी सोचा न था, तू कभी ऐसा भी होगा ये कभी सोचा न था, हादसा ऐसा भी होगा ये कभी सोचा न था, तू कभी ऐसा भी होगा। हादसा ऐसा भी होगा ये कभी सोचा न था।
बिटिया, हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव वाले अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलने वाले हैं। अरे एक मिनट, लगता है मनिया आ गई है और दिख भी ठीक रही है। अरे भैया बहुत ना समझी की दरोगा पुलिस के पास जाके। हाँ भाई सोचना चाहिए था, गरीबों की सुनने वाला भी कौन है। अरे सुन बे किए, थाना जाने का भुगतान भरना पड़ा। का बोला? हाँ का बोला तू? लाज नहीं आती तुम सबको? हमरा खिल्ली उड़ा रहे हो? नामर्द कहीं के? का? नामर्द बोली? हाँ बोले बोले, हम का करेगा? हमरा मरद यहाँ नहीं, नहीं तो तुम सबको का करता? ए, का करता? अपन भाग को रोता बेचारा। हम तो कहते हैं उका आने से पहले कहीं। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हमरा मरद की राह यहीं देखेंगे। ज्यादा बकबक की ना तो का मर्द को बुलाएगी? जा जाके जगताप से पूछ कहाँ है तेरा मर्द। पूछेंगे हम, हमको किसी का डर नहीं है। तो जाओ ना, पूछो पूछो। अरे जा, 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 जा पूछो, हिम्मत है तो जाओ। तुझे अंदर कहाँ छुपाया है उसे? क्या हो रहा है सब? कौन है ये? हरिया कहाँ है? चल अच्छा अच्छा चल चल भाग। है कहाँ छुपा रखा है उसे? इस गंदगी को अंदर किसने आने दिया? निकाल बाहर करो उसे। अरे चल बुला हरिया को। वैसे चॉइस बड़ा अच्छा है बबलू। हरिया चल, हरिया चल चल चल। अरे छोड़ दे छोड़ दे। रानी कहाँ चली? बबलू के लिए छटपटा रही है। अरे बबलू नहीं तो कहाँ हुआ, हम तो है। चलो रानी कहाँ चले? चुम्मा नहीं तो यही सही, कुछ तो मिला। रस्सी जल गई, रैट नहीं गई। सब एसपी का चोर, एक छुरी तो एक कटारी। कहाँ है? हम पूछ रहे मनिया कहाँ है? किसी को भी नहीं मालूम? इंस्पेक्टर
जाके देखिए मनिया कहाँ है। ए, मनिया कहाँ? नहीं पता तुझे? अरे तुझे तो पता होगा मनिया कहाँ है? तू बता मनिया कहाँ है? अरे तेरे को तो मालूम होगा, बता मनिया। तुम्हें नहीं मालूम कहाँ है मनिया? मनिया कहाँ है किसी को भी नहीं मालूम। मालिक मनिया को जाते खदान के तरफ देखा, बार बार उधर जाते देखा। अरे तुझे तो मालूम होगा। अच्छा काका, इंस्पेक्टर। जी सर। चलिए। मनिया तुम यहां हो? कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें। हमको छोड़ दो साहेब, हम कह रहे हैं ना, हमरे मर्द को बुलवा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। अचानक घर से गायब क्यों हो गए? हमरे कारण आपका घर उजड़ गया, हम कैसे देखते वकील बाबू? हमको माफ कर दो साहेब, हमको माफ कर दो। नहीं मनिया, तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ा नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। चलो घर चलो, रोने से न्याय नहीं मिलता। अरे भाई, ए भाई हम कहाँ किए हैं जो हमको इतना दिनों से यहाँ बंद किए हो तुम? हाँ? अरे भाई हमारी गलती तो बता दो। अरे सुनो भाई, अरे भाई हम सच कह रहे हैं, हम कुछ गलत काम नहीं किए हैं। अरे कोई तो सुनो, अरे सुनो भाई, अरे कुछ तो बोलो भाई। काहे बौखला रहे हो, गलती तुम्हारी नहीं तुम्हारी औरत की है। अरे का किए हमरी मनिया? अरे अपने रूप से सबको घायल कर रही है, कोई कम गलती है का? बहुत दिनों से नैन मटक्का कर रही थी बबलू बाबू के साथ, और अब मौका मिला तो पीछे पड़ गई। बहुत बौखला गई है ससुरी। बकवास बंद कर रहे, खबरदार तू हमरी मनिया के बारे में ऐसा बोला तो बाहर निकाल दो, दिखाते हम तो का। अरे चुप कर, दिखा तो तेरे दिल की रानी रही है। मनिया, किसी को कुछ मत बोलना, अगर एसपी को पता चल गया ना तो देख लेना क्या हो जाता है। पुलिस को कुछ भी बताया तो जान से मार दिया जाएगा। रुक रुक रुक, निकल निकल निकल। अगर एक शब्द भी एसपी को बोला ना तो तुम दोनों का यही उड़ा दूंगा, समझी? चलो रे। मिलोर्ड, जैसा कि अभी मैंने कहा, यह केस अत्याचार और शोषण का एक बहुत ही भद्दा रूप है, और यह मैं साबित करके ही रहूंगा। मनिया जैसी बेबस बेसहारा औरत को न्याय मिलना ही चाहिए,
धन्यवाद। मिलोर्ड, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी सॉरी केस बनाने की कोशिश की है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। बिना किसी ठोस सबूत के वो कैसे किसी शरीफ इंसान को बदनाम कर सकते हैं? एक बदनाम बच्चलन औरत जिसका धंधा ही अपने शरीर का व्यापार करना है, अमीरों को फांसना और उनसे पैसे बटोरना है, इसकी बच्चलनी की वजह से ही तो इसका पति इसे छोड़ के चला गया। कहां गया किसी को पता नहीं। कहा गया है कि बबलू के पिता जगताप के ठेकेदार ने उसे कहीं भेज दिया। अरे भेजा कहां कुछ पता नहीं। जगताप साहब के हर बिजनेस सेंटर पर पुलिस फोर्स जाकर खाली हाथ लौट आई। इसके पति को जगताप साहब ने कहीं भेजा हो तब तो मिले। मैं यहां एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि मनिया की बच्चलनी के चलते ही उसका पति मुंह छुपाता चल रहा है। धिक्कार है ऐसी औरत पर। पुलिस खिला परवाही का जीता जागता नमूना है ये बबलू साहब। इन्हें एक बलात्कारी ठहराया गया है लेकिन मैं पूछता हूं किस बूते पर है कोई सबूत? यह है मेडिकल रिपोर्ट प्राइवेट नर्सिंग होम की। चलिए मान लिया कि उस दिन बबलू और मनिया के बीच में यौन संबंध हुआ लेकिन यह कहां साबित होता है कि वो एक बलात्कार ही था? यह औरत जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। वो खुद उस रात बबलू के पास गई और पैसे ना मिलने के बाद उसने अगले ही दिन बबलू के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा दी। और मैं यही साबित करूंगा। टूट गए सब सपने सलोने तार तार हुआ अजगर देहरी पे दुई नैन बिछे कब तू दर्स दिखाएगा सैया बिना ठोस सबूत के यह अदालत इस केस को बेबुनियाद घोषित करती है और पुलिस फोर्स को यह हिदायत देती है कि इस तरह के खोखले केस ला करके अदालत का वक्त जाया न करें। बबलू को यह कोर्ट बाइज्जत बरी करती है। एसपी साहिबा, जज साहब ने आपका केस खारिज कर दिया। आपकी आगे की क्या रणनीति है? ये तो जंग की शुरुआत है। वैसे हरिया के बयान पर इस केस का दारोमदार है। अगर हरिया को मारकर फेंक दिया गया हो तो हो सकता है तब तो मर्डर का केस लग जाएगा। एक्सक्यूज मी कल्पना, एक सेकंड। तू चाहे तो अपने विजय बेटे की आरती उतार ले। आज मैं केस जीत कर आया हूं और तुम्हों की? तुम्हारे पापी इरादों की जीत कैसी, खुशी कैसी? बबलू, आज तुमने कुछ हासिल नहीं किया बल्कि बहुत कुछ खो दिया तुमने, अपनी मां को भी। अरे तो पागल थी जो थाने गई थी, मुझे उसे कही थी बेरहम निर्लज्ज करी। अरे एकदम निर्लज्ज और का। अरे देखो इस छिनाल के, इसे मुंह उठा के चली आ रही है।
दुबे जी। जी मालिक। सबसे पहले वो हरिया को रिहा करवा दीजिए, बहुत फड़फड़ा रही है एसपी ससरी। मर्डर वर्डर का केस ठोक दी तो एक दूसरा नौटंकी शुरू हो जाएगा, समझे ना? आप एकदम चिंता मत करिए मालिक, हम सब इंतजाम कर देंगे। हरिया को जैसा हम कहे हैं वैसा कह दीजिएगा, एकदम गूंगा हो जाए। और कह दीजिए जितना बोले हैं उतना ही बोले। Yes! सबके सब मन भर के खाओ पियो, बिल्कुल खाओ। यार बबलू, आज रात भी किसी शिकार का इंतजाम होता तो मजा आता। बिल्कुल यार। ओ मनिया, नाम मत ले उस हरामजादी का, गले का कांटा बन गई है कुतिया। देखो यार, उस रात को तो गले का हार बन गई थी। बिल्कुल। अरे, हमको उसकी वजह से जेल जाना पड़ा, समझती क्या है? और क्या किए थे हम, क्या किए थे? और जो किए थे हमारा हक बनता है। बिल्कुल। अरे काहे गरमा रहे हो यार, उस रात को याद करो, मस्त हो जाए। बिल्कुल। अबे चुप, उस रात की वजह से हम मुजरिम बने, थाना कचहरी में हमारा नाम चढ़ गया। उसकी तुम तो... अरे केस तो जीत गए ना, आप जश्न मनाओ। बिल्कुल। मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। अरे क्या हो गया बबलू? अरे क्या जीत कैसी, खुशी कैसी, खुशी कैसी बबलू? आज तुमने कुछ हासिल नहीं किया बल्कि बहुत कुछ खो दिया, अपनी माँ को भी। अरे कहाँ चल रही है? अरे यार एक ही बार में बिल्कुल खाली कर दी, लेने गया होगा। में काम कर करके हमारा तो दिल टूट गया है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फालतू बातें मत करो, फालतू बात मत करो। अरे सही तो बोल रहा है, अरे सामने लिया। आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत है मेरी? अरे ये तो हरिया है, क्या होगा इसका, घर तो एकदम उजड़ गया है। अरे भैया, औरत ने इतना बड़ा कांड जो किया है, भगवान किसी को सुंदर औरत ना दे, और दे तो वो उसे छोड़ कर कहीं ना जाए। पता नहीं पीछे से। अरे हरिया भैया तुम? अरे शंकर, ये तू तो यहाँ था ना? हाँ। तू बता सच बात का है? देख तो का हमरी कसम, देख सच बता, नहीं तो हम पगला जाएंगे। बोल। अब हम कहाँ? अरे बोल रे। उस दिन हम यहाँ से आए तो देखा कि काकी बाहर छुटकी के साथ बैठी हुई है, और हमें बताया कि जब वो सवेरे सवेरे आई तो दरवाजा बाहर से बंद था और छुटकी अंदर ही सोई हुई थी। अब पता नहीं मनिया रात को कहां। बस हम सब समझ गए, सब समझ गए। मनिया तुम घर जाओ, जाओ। एसपी कल्पना, बबलू को मार के अच्छा नहीं किया, हमारा केस पेंडिंग है ना, आज तेरा केस ही खत्म कर देता हूं मैं। सर FIR तैयार कर देता हूँ, बबलू ने पुलिस पर हमला किया और दरोगा बीबी सिंह मारा गया,
पुलिस को अपनी हिफाजत में गोली चलानी पड़ी और बबलू मारा गया। चला गया था तू, तू बोलता का है ना है? तू बोलता का है ना है? मनिया, हमने तुमको कितना पुकारा, कहा था अपनी मनिया को यहां से दूर ले जा तू, तू बोलता काहे ना है, तू बोलता काहे ना है, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, हम बहुत इंतजार किए तेरा। दूर आज और झिनाल कहीं की छू मत हमको, बड़ी सती सावित्री बनती है ये, तू का कह रहा है, ये तू क्या कह रहा है? हाँ? अरे तेरा आसना होता तो हम कब के मर गए रहते, अरे जिंदा है तो इसी आस में कि तू आएगा और सब ठीक हो जाएगा। हम पर बहुत जुल्म हुआ रे, हम बहुत रोए बिल के, बिलक बिलक के रोए, हम बहुत रोए रे, कोई ना सुना। चुप चुप कर, अरे झूठन कहीं की तू क्या समझती है, क्या समझती तू, हम कुछ समझते नहीं है का? अरे कुतिया तू ही बची थी क्या बस्ती में? जरूर तेरा कोई कान भरा है यार, हम निर्दोष हैं, हम पे विश्वास कर, हम निर्दोष हैं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं यार, हमरे साथ धोखा हुआ है हरिया। ओ बबलुआ, चुप, बबलुआ बबलुआ बबलुआ, सर नहीं आती तो का, अपना कर तू, दूसरा पर थोपते हुए तो का शर्म नहीं आती? विश्वास करें, विश्वास करें, अरे एक व्यस्त्य पर विश्वास करें, एक व्यस्त्य पर विश्वास करें। हम पर विश्वास कर, हम निर्दोष हैं हरिया, नहीं नहीं नहीं, अब तू हमरे साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, हम तो हार नहीं, तो हार नहीं रहे, चल निकल यहाँ से, निकल, चल उठ, निकल यहाँ से, निकल जा झूठन कहीं के छिनाल, चल चल, घर में हमारी जिंदगी में तोड़ी कोई जरूरत नहीं, चल चल निकल यहाँ से, निकल झूठन कहीं के, निकल जा हमरे घर से, चल चल निकल रंडी, निकल मर। एक व्यस्त्य पर विश्वास करें, एक व्यस्त्य पर विश्वास करें, जिसका धंधा ही जिंदगी का अंतर किसने देने दिया, बाहर करें से, चल निकल रंडी, आना जाने का भुगतान भर नहीं रहे अब। हम झूठ रहे हैं।
लगती चाहते कहती है आजा। हाँ नर्म होठों की गुलाबी हसरते कहती है आजा। जाने जा मदहोशियों में खो जा। गर्म सांसों में सुलगती चाहते कहती है आजा। नर्म होठों की गुलाबी हसरते कहती है आजा।